आपको बता दें कि करनाल में स्कूल की जो बस है वो पलट चुकी है। बाल बाल जो स्कूली बच्चे हैं वो बड़ा बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था जिस तरीके से स्कूल की बस पलटी है, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी बच्चे को यहाँ पर चोट नहीं आई है। यह हादसा सुबह सुबह हुआ, सड़क खराब थी जिसके चलते यह हादसा हुआ। जो स्थानीय लोग हैं वो कई बार कह चुके हैं कि शिकायतों के बाद भी यहाँ पर कोई काम नहीं किया जाता, शिकायतें बार बार की गई हैं क्योंकि सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हैं। ऐसे में कई घटनाएं पहले भी हो चुकी है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, और इसी के चलते, लापरवाही के चलते यहाँ पर जो स्कूल बस है वो पलट गई। लेकिन गनीमत रही कि किसी बच्चे को चोट नहीं आई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बस है वो पलटी है। हालांकि आपको बता दें कि जो बच्चे हैं वो सभी सुरक्षित हैं, सभी ठीक बताए जा रहे हैं, किसी को कोई चोटें नहीं आई हैं। लेकिन यहाँ पर तमाम सवाल खड़े होते हैं, जब शिकायत स्थानीय लोग बता चुके तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जरा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जो स्थानीय निवासी, उनका कहना है कि पहले भी वो शिकायत कर चुके हैं लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती, बड़ा हादसा हो सकता था, स्कूल जो बस है वो पलटी है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी हम आपको बता दें कि ग्राम वालों में काफी रोष है इसको लेकर, वो कई बार विधायक से भी शिकायत कर चुके हैं, ताकि काफी रास्ता बिल्कुल तंग होने की वजह से बस पलटी है, जिसमें हम आपको बता दें कि इसमें 10 से 15 बच्चे मौजूद थे। हालांकि ये बड़ा हादसा टला है, बच्चों को छोटी मोटी चोटें आई हैं जिनको प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया। हालांकि एक बड़ा हादसा था और इसके बारे में ग्रामीण कई बार इसकी शिकायत की जिला अधिकारियों और विधायकों को भी कर चुके हैं, उसके बाद भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। विकास, जो पूरा मामला है क्योंकि अब तो सामने आ चुका है, अब क्या कार्रवाई आगे की जाएगी? जो सड़क है उनको भरा जाएगा, जो गड्ढे हैं उनको भरा जाएगा, ऐसी कोई जानकारी आपके पास? जी अभी तक तो जिला प्रशासन की तरफ से इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन गांव वालों में काफी रोष था, इसके बाद उनका कहना था कि इसके बारे में जिला सचिवालय में दोबारा से एप्लीकेशन देंगे और विधायक को गांव में आने पर रोका भी जाएगा और उनसे बातचीत की जाएगी कि किस तरह की जो कमियां उनका कई सालों से आ रही हैं उसको दूर किया जाए।